संघर्ष चल रहे हैं, अज कूच कर रहे ने किसान, असी भी समर्थन किया उन्होंने, तो अपनी पार्टी वर्करा भी किया, क्योंकि ज़्यादातर साढ़े भी पार्टी वर्कर जो नौजवान मुंडे ने जो भी किसानों के पुत भतीजे ने, सो उम्मीद करते हैं कि 3 तरीक में जी मीटिंग बुलाई है दिल्ली खेती मंत्री ने, उस शायद उन्होंने सेंटर के कल खाने कुछ पै जाए कि किसान विरोधी ने लोग विरोधी बिल ने, तो उदो कोई हल निकलिया वे, उम्मीद करते असी इन कानूनों विरुद्ध लोगों लामबद्ध से जागृत कर ली। किसान मजदूर तो व्यापार बचाओ मुहिम शुरू कर रहे हैं, वो तहत 4 तरीक न मौड़ मंडी एक बड़ी जनसभा करा, 13 तरीक न पट्टी तरन तारण जिले, तो 20 तरीक न बाघा पुरा। किसान मजदूर तो व्यापार बचाओ रैलियां करके लोगों को असं दसेंगे कानून कल किसान विरोधी नहीं है, ये कानून लोगों के विरुद्ध ने, क्योंकि हर कितने ना कितने पंजाब का 90% जो कारोबार है खेती के नाल जुड़िया हुआ है, चाहे सहायक धंधे ने, चाहे कोई मिस्त्री ने, चाहे कोई लेबर है, चाहे कोई खेत मजदूर है, चाहे कोई ट्रांसपोर्टर है, आड़ती ने, मुनीम ने। सो MSP की गरंटी जी है कैप्टन साहब कानूनी तौर पर MSP की गरंटी दे के, फर्ज यह बनता से कैप्टन साहब का कि कानूनी तौर पर इतने MSP की गरंटी दे के आप गल करते सेंटर नाल, हुण उन्होंने 4-5 महीने किसानों इतने सड़कों पर बिठा के हुण कहें तुसीं दिल्ली चले जाओ जी, ठीक है ना। सो सूबे के हैड होने के नाते कैप्टन साहब नूं असीं कहने कि जब तक तुसीं MSP की गरंटी दे दो 22 दियां 22 फसलां कानून बना दो, जां फिर गद्दी छड्डो कुर्सी छड्डो, आम आदमी पार्टी सरकार आने पर असी 22 दियां 22 फसलों का एक एक दाना चकांगे MSP से, जिथे मर्जी सरकार जितों मर्जी पैसे लिया, जिथे मर्जी उन्हों खपत करे उसी जी उत्पादन की, पर किसान जोड़ा वो 22 दियां 22 फसलों पर MSP मिलेगी। जागरूकती करने लिए असी 3 बड़िया रैलियां कर रहे हैं, मौड़ मंडी 4 तरीक न 4 दिसंबर, तो 13 अपना पट्टी, तो 20 तरीक बाघा पुरा। आ जी लोग मिलनी है जिमें अज है, ये मेरा पहले तो चलता रहता क्योंकि दफ्तर थोड़ी जी जगह घट है, सो इतने थोड़ा डिस्टेंस भी रह जाता, तो कुछ ज़्यादा लोग मिलने आ जाते हैं, तो फिर इतने चाह पानी का प्रबंध वधिया हो जाऊ पूरे पंजाब तो लोग। नहीं नहीं अपने दफ्तर दफ्तर चलो हूँ थोड़ा जहा कट लिया इतने हूँ की अनाउंस करके कि हाँ जाने, क्योंकि कोरोना करके असं थोड़ा जहाँ खुले एरिए कर लिया, क्योंकि पंजाब तो लोग आए हूँ, मसले ने निजी मसले भी ने, जिमें वैनकूवर कोई डैथ हो गई बेटे की, उसका कोई थौ पता नहीं लग रहा कि हो गया कि इस तरह। मानसा परंपरावादी पार्टी है उन्होंने पंजाब के जोड़े मुंडे भी आ किसी पार्टी के उन्होंने दमों क्ढन वास्ते बंदे लाए जाते हैं, 5 थान 20-80 लाख बंदा 4 बंदा इकट्ठा करना, 80 बंदे लियाओ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਆਪ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦੂਰਗੜ੍ਹ, ਮਾਨਸਾ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ, ਤਲਵੰਡੀ, ਹੈ ਪੁੱਚੋ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀਆਂ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੁਣ ਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ,
किधर भी पांच पांच मरलों के गरीबों घर पा के देने। सो हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग सड़क आते हैं। तो कैप्टन साहब ने बस जो महिला रेंगे हरियाणा सरकार ने अब सील वगैरह किए। देखो इस तरह का देखो डेमोक्रेटिक राइट है कि असी शांतिपूर्वक जोड़ा कितने भी जाके धरना दे सकते जे सेंटर तक तुम पहुँच नहीं देना सामने दिल्ली तक। यह मतलब बहुत तानाशाही गल है ना। एक पास तो नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे 3 तरीक में सानू मिलो किसान जथेबंद मिलो, तो खट्टर कह रहे कि उत्थे जाने की लोड़ नहीं, तो कानून ही बहुत वधिया ने, फिर गलबात कहदे वास्ते कर वास्ते बुलाओ। सो इस करके ये जिस तरीके चलाया जा रहा मुल्क ये हरियाणा नाल लगता तो असी सरदा सील कर दें। इस तो पहले कैप्टन साहब ने रोके से एक बार जो चीमे रो चीमा मंडी जाना तो दिल्ली है, दिल्ली जाने का हक है उन्होंने, दिल्ली तो देश चलता है। रामलीला ग्राउंड के वो जाना चाहते हैं, उत्थे सारे देश का अंदोलन है। इस तो पहले जो दिल्ली आए थे जंतर मंत्र से तमिलनाडु के किसान वो इतों तक कि आप जी खुदकुशियां किए हुए जोड़े उन्होंने किसान भरा से उन्होंने खोपड़ियां लेके आए थे, उन्होंने नहीं मिल मिलने का टाइम दिता प्रधानमंत्री ने। सो ये तानाशाही तरीके जिस तरीके काले कानून लिया जा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी सख्त विरोध करती है। तो आम तौर पर कानून बनते लोग लड्डू वंटते खुशियां मना, बीजेपी के कानून बनते बीजेपी सरकार के कानून बनाने लोग सड़कों पर निकलते हैं, पुतले फुकते हैं, हड़ताल होंगे, भावें नोटबंदी वाला, भावें वह NRC वाला, भावें वो आ खेती वाला। सो मतलब कदों किसान ने रैलियां जा धरने लाए थे भी आह कानून लिया नहीं तो बच देगी, कदों लोगों ने कहा कि नोटबंदी करो नहीं तो बच देगी, सब के वालों ही कॉरपोरेट मांग रही थी किसी राज की। हाँ जी मांग रही थी, धक्के ना करते तो पूछा से असी। हाँ उन्हें मैंने जवाब दिया कि ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट है ना वो ये जरिए लागू कर। लेकिन तो स्वामीनाथन स्वामीनाथन ने जी कितों आ गया, स्वामीनाथन ने कितने कहा कि तुम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गल कर रहे चाहो चांद साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हूँ भी होंगी है, गन्ना बजाऊँ नहीं मिलना फिर पैसे देने 14 दिन के पैसे देने का रूल है कि 14 दिन तो बाद नहीं ब्याज लगेगा, 3-3 साल हो गए बैठे आलू बजाने चलने वाले वो देने पैसे 170।